खबर यूपी के चंदौली से। अवैध अतिक्रमण करियों पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का चला डंडा, 10 वर्ष से नाली पर कब्जा जमाए अवैध कब्जाधारी, गेट जेसीबी किया धाराशाही। नाली जाम होने से 300 परिवार थे प्रभावित, ग्रामीणों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से किया था शिकायत। ग्रामीणों की शिकायत पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बारिश में जेसीबी के साथ पहुंचे मौके पर। 10 वर्ष से लंबित मामले का ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मौके पर खड़े होकर तत्काल किया निस्तारण। ग्रामीणों ने लिया राहत की सांस। चकिया क्षेत्र के साहबगंज ब्लॉक के अमाव गांव का है ये पूरा मामला। चंदौली से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। ये मुझे लगता है और कल हमारे पास एक शिकायत तहसील पर दर्ज की गई, उसी के क्रम में आज स्थलीय निरीक्षण किया गया और स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि जल जमाव की समस्या बेहद ही विकराल है और एक दीवार बनाकर गेट लगाकर जो गांव के मुख्य नाली थी, जो जल निकास मार्ग था, उसको अवरुद्ध कर दिया गया है। मौके पर खड़े होकर उसको वापस खुदवाया गया, उस दीवार को तोड़वाया गया और साथ ही साथ लोगों के जो इतनी समस्या थी जिसकी वजह से कईयों के घर गिरने तक की नौबत आ रही थी, उसका आज मौके पर पहुँच कर समाधान करवाया। सर, अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी। अगर कोई भी सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने का कोशिश करेगा अनैतिक रूप से, उसके खिलाफ बिल्कुल सुसंगत धाराओं में FIR भी करवाई जाएगी और जो भी कठोरतम कार्रवाई बनती है बिल्कुल की जाएगी। सर,